दीपों का पर्व दीपावली को लेकर कुम्हारों की चाक की रफ्तार भी तेज हो गई है, लेकिन शायद जगमग बिजली की रोशनी में दियों के टिमटिमाहट के लिए अब जगह बाकी नहीं। जैसे जैसे जमाने का चलन बदल रहा है, मिट्टी के दिए की कहानी भी खत्म होती जा रही है। पुश्तों से यही काम करने वाले कुम्हार आज दीपावली के पहले उदास और मायूस है। हाईफाई जमाने में मोमबत्ती और बिजली की झालर आ गई तो दीपों को कौन पूछता है साहब, रही सही कसर मशीनों ने निकाल दी। अरे आज के डेट में जो है यही झालर चल गई हैं और लाइटें चल गई हैं, तो हमारी दियाली दीपावली में बहुत कम बिक्री होती है। और जब से अब ये झालर चल गए हैं नखलोग में, इंडिया में, भारत में पूरे, जब से हमारी नहीं कोई देली पूछता है, नहीं कोई दिया पूछता है और नहीं कोई माटी वाले कुज्जे पूछते हैं, कोई आइटम यहाँ कोई पूछते नहीं है। पहले की अपेक्षा कम बिक्री होती है, पहले से बहुत कम हो रही है। इस कुम्हार का कहना भी गलत नहीं है, हाईफाई जमाने में सब कुछ रेडीमेड मिलता है और शायद यही कारण है कि कोई मिट्टी के दियों को खरीदना ही नहीं चाहता। कुम्हारों की रोजी रोटी पर मानो चंद्र ग्रहण सा लग रहा है, लेकिन बाजारों में टिमटिमाती चाइनीज झालर कुम्हारों की मेहनत पर पानी फेर देती है। खरीदारों की माने तो उन्हें भी अपने घर चाइनीज झालरों से सजाने में ज्यादा खुशी मिलती है। झालरों की तरफ लोग ज्यादा दौड़ते हैं क्योंकि उसकी वजह से पूरा घर चकाचौंध हो जाता है और ज्यादा कुछ रोशनी वगैरह दिखाई देती है। लेकिन मेन पर्व अगर देखा जाए हाँ तो दिया है हम लोगों की, वो हाँ, दियाली की तरफ ही बात है। लेकिन आजकल दिया दियाली की तरफ ज्यादा लोग ध्यान नहीं दे रहे। भले ही ये चाइनीज झालर आपके घर को बेहतर सजाते हैं, लेकिन सच तो यही है कि दिया जलना इतना कम हो गया है कि लगता है एक दिन शायद दिए को लोग भूल ही जाएंगे और कुम्हार के साथ साथ दिए की कहानी भी खत्म हो जाएगी। झालरों के चलते कुम्हारों का खस्ता हाल, तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह है कि जो कुम्हार हैं उनकी बड़ी उम्मीदें होती हैं कि साल में एक बार पर्व आएगा दीपावली, जिसको बड़े धूमधाम से हम मनाएंगे। अपनी दियालियां हमारी जो हैं वो ज़्यादा बिकेंगे और हम लोगों की कमाई ज़्यादा होगी, जिसके चलते हम लोग अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सकेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनका परिवार भी साथ में लगा हुआ है और ये लोग यहाँ पे लगातार मेहनत कर रहे हैं कि उम्मीद है कि दीपावली में हम लोगों की दियालियाँ ज़्यादा बिकेंगी, जिससे हम अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण कर सकेंगे। तो देखने वाली बात यह है कि झालरों के चलते इन लोगों की कमाई बेहद कम हो गई है। लखनऊ से नवीन वाजपेयी, ईटीवी भारत।